वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे विषय हिंदी और कक्षा 8वीं के वसंत भाग 3 से हम दूसरा लेसन पढ़ रहे, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लाख की चिड़िया, और हमारा ये सेशन क्रमांक है 5वां। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि लेखक किस प्रकार बदलू के स्वभाव का वर्णन करता है, उसके व्यवसाय का वर्णन करता है। और आज बहुत लंबे समय के बाद जब लेखक वहाँ पर आया हुआ है मामा के गांव में, तो क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, इसका वर्णन लेखक यहाँ पर कर रहा है। तो देखते हैं, आगे पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, हम अब देखते हैं पाठ का अगला परिच्छेद। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में काच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो देखो, इस परिच्छेद में लेखक ने मशीनीकरण का या मशीन के युग का वर्णन करते हुए एक वास्तविकता का हमें यहाँ पर आभास बताया है कि किस प्रकार मशीनीकरण आने के वजह से लोग बेकार हो गए हैं। जो छोटे मोटे काम धंधे करने वाले, उद्योग करने वाले लोगों के पास अब काम नहीं बचा है, और उसके वजह से क्या हो चुका है कि वह बेकार हो गए हैं, और बेकार होने के कारण लाचार होकर, विवश होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसी वास्तविकता का वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। यह सिर्फ बदलू की कहानी नहीं है, बल्कि समाज के एक पूरे वर्ग की यह कहानी है कि मशीन की वजह से उसका जो लाख का चूड़ियों बनाने का व्यवसाय था वह बंद हो गया, और उसके बदले में मशीन से बनाई गई कांच की चूड़ियों का व्यवसाय शुरू हो गया, और लोगों ने भी उस व्यवसाय को सहारा, और उसके साथ साथ लाख की चूड़ियाँ पहनना औरतों ने बंद कर दी, और कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद करना शुरू कर दिया, तो क्योंकि वह दिखने में भी सुंदर थे। तो लेखक बदलू कहता है कि आजकल मशीन से कोई काम सब काम हो जाते हैं, खेत में भी सारे काम मशीन के द्वारा ही हो जाते हैं, इसलिए खेत में काम करने के लिए मनुष्य की, मानव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख के चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, और लेखक मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। तो लेखक कहता है कि कांच की चूड़ियाँ दिखने में बड़ी सुंदर हो, लेकिन वह खतरनाक होती है क्योंकि जल्दी टूट जाती है, और जैसे ही बिना सावधानी से अगर असावधानी में किसी को लग गई तो उसे खतरा भी हो सकता है। और तो लेखक कहता है कि वह तो खतरनाक होती है और जल्दी टूट जाती है। तो फिर बदलू कहता है कि वह नाजुक तो फिर होती है, और कहते कहते वह अचानक से खांसने लगता है, देर तक खांसता रहा, मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। तो लेखक कहता है कि वह खांसते खांसते इतना खांसने लगा कि लेखक को शंका हुई कि उसे शायद दमा होगा, और उसकी उस अवस्था से शरीर ढल चुका था, अर्थात शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था, और वो खांसते खांसते उसके हाथों पर और उसके माथे पर शरीर की नसें दिखने लगी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली, भाप लेना मतलब अंदाज लगा लेना, और वह बोला, दमा नहीं मुझे फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो देखो, दोनों का वार्तालाप हो रहा है, और कुछ चुप्पी रहने के कारण फिर लेखक कहता है कि उसको वहाँ पर वह अंदाज लगा लेता है कि उसके अंदर, मतलब बदलू के अंदर कोई तो बड़ी व्यथा छिपी हुई उसको समझ में आ रही है, और फिर वह देर तक सोचता रहा और कहने लगा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काट जाना मतलब यहाँ पर एक मुहावरा भी है, और इसका अर्थ होता है कि हाथ काट जाना मतलब जो काम धाम होते हैं वो नष्ट हो गए हैं, और इसके लिए उनकी वो बेकार हो गए, लोग बेकार हो जाते हैं, और उनके पास कमाने के लिए कोई साधन नहीं होते हैं।
तो मशीन युग ने जैसे जैसे आज हम मशीन युग को औद्योगिकरण के साथ साथ मशीन युग का हम बहुत उपयोग भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान तो हम देखते हैं कि ऐसे समाज के बहुत सा या बहुत अधिक वर्ग ऐसा है कि जहाँ पर लोग बेकार हो गए, उनके उपजीविका साधन उनके पास से छीन लिया गया है। जैसे कि गांव में खेती करने के लिए मशीन का उपयोग करते हैं, इसलिए खेती में काम करने वाले जो मनुष्य हैं उनके पास काम नहीं रहा, इसलिए वह बेकार हो गए। और उसके साथ साथ ऐसे छोटे मोटे उद्योग धंधे करने वाले लोगों भी बेकार हो गए। तो वह यहाँ पर लेखक को वही अवस्था, यही व्यथा बदलू के अंदर दिखाई दे रही थी। और वह लेखक सोचने लगा कि ऐसे कितने मशीन युग के कारण कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो चुका, वो कितने लोग बेकार हो चुके और लाचार होकर जीवन विवश होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। फिर यहाँ पर शांति होने के कारण लेखक को वो बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने वहाँ बातचीत करना शुरू कर दिया। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रजो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो देखो जैसे ही लेखक ने आम की बात कही तो बदलू कहता है कि नहीं अभी कुछ नहीं बदला है, जैसे के तैसे ही आम की फसल भी अच्छी आ रही है। और जैसे ही उसका आम का विषय निकलता है तो वह अपने बेटी रज्जो को पुकार कर लेखक के लिए कुछ आम मंगवाती है। मुखातिब मतलब वो पहले बातचीत करते समय लेखक से बातचीत कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसको आम मंगवाने थे तो रज्जो की तरफ मुँह करके बातचीत कर रहा था। तो मुखातिब मतलब जिसके साथ बात करना है उसकी तरफ मुँह करके बात करना। तो बदलू कहता है कि माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बनाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? तो देखो क्या अवस्था हो गई थी बदलू की कि अब उसको गाय को खिलाने के पास उसके पास कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा था, नहीं चारे की इसके वजह से, तो उसने गाय को भी बेच दी थी। इतने में रजू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने कहा। तो इसी बीच में दोनों का संवाद चल रहा है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। मतलब वो अपनी बेटी के लिए बेटी को कह रहे हैं कि लेखक को 4-5 आम छाट कर दो और सिंदूरी दे, मतलब बहुत ही ऑरेंज कलर वाले। देखो लाल लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रजो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली मतलब दोनों हाथ को जोड़कर एक पात्र के जैसे बनाया जाता है वस्तु रखने के लिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। तो लेखक कहते हैं कि जैसे उसने आम देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मेरी निगाह मेरी नज़र मेरी दृष्टि एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई, मतलब उसकी तरफ नज़र मेरी चली गई। गोरी गोरी कलाई पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहाँ शहर से ले आओ। तो देखो जैसे उसके हाथ पर पहने हुए चूड़ियों की तरफ जाती है, लाख की चूड़ियों की तरफ, तो लेखक देखता है तो बदलू कहता है कि यह आखिरी मैंने बनाया हुआ लाख का चूड़ियों का जोड़ा है जो जमींदार साहब के बेटी के शादी के समय उसके विवाह के अवसर पर किया था, लेकिन वह सिर्फ मुझे उस जोड़े के बदले में 10 आने ही दे रहा था, तो मैंने उसको मना कर दिया और वह कहा कि मैं जोड़ा नहीं दूंगा, तुम्हें चाहिए तो तुम शहर से जाकर ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया तो मुझे
प्रसन्नता हुई। तो देखो अब लेखक कहता है कि इतनी व्यवस्था उसने, इतनी पीड़ा व्यथा उसने बदलू की देखी, लेकिन जाते समय उसे एक प्रसन्नता हुई। किस चीज़ की लेकर? कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। मतलब भले ही आज उसका व्यवसाय बंद हो गया होगा, आज उसका पुश्तैनी चलने वाला जो काम धंधा था वो लाख की चूड़िया बनाने का काम बंद हो चुका था, लेकिन उसने हार कर भी हार नहीं मानी। मतलब जो अंत में जो एक लाख का जोड़ा बना हुआ था चूड़ियों का, वह उसने ज़मींदार को उसकी जीत थी, जितनी भी पैसा चाहिए वह उसे मिलना ही चाहिए था, लेकिन वो पैसा न देने के कारण वह वहाँ पर उसे मना करता है कि मैं तुम्हें ये जोड़ा नहीं दूंगा, तुम्हें चाहिए तो तुम शहर से जाकर मंगवा लो। तो इसलिए यहाँ पर हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा न था, आसानी से टूट जाना। भले ही आज वह शरीर से टूट गया, लेकिन मन से भी वह उतना ही आगे जाने के लिए सोच रहा था। मतलब जैसे कांच की चूड़िया टूट जाती है, लेकिन और लाख की चूड़िया टूटने में आसान नहीं होती। तो लेखक कहते हैं कि बदलू का व्यक्तित्व भी उसी समान है, वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से लेखक ने आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण और मशीनीकरण का वजह से होने वाले एक समस्त वर्ग का किस प्रकार से वह विवश होकर जीवन जीना व्यतीत करते हैं, इसका वर्णन इस पाठ के द्वारा किया है। अब देखते हैं इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। बच्चों, जो पैराग्राफ हम लोगों ने अभी पढ़ा, उस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ शब्दार्थ हम देखते हैं। शब्दार्थ व्यथा, पीड़ा, मुखातिब मतलब बात करने वाले की ओर मुंह करना, डलिया छोटी टोकरी, अंजुली दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाकर पात्र जैसा बनाया हुआ, ठिटकना रुकना, फबना मतलब बहुत अच्छा लगना, एक आना 6 पैसे रुपए का 16वां भाग। अब मुहावरा यहाँ पर आया था कि हाथ काट देना, उसका अर्थ है रोजगारहीन कर देना, अर्थात बेकार कर देना। कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला कुछ इस प्रकार है, लेखक के अनुसार किसको दमा है? इसके उत्तर है क पिता को, ख मामा को, ग काका को, घ बदलू को। तो इसका सही उत्तर होगा घ बदलू को। प्रश्न दूसरा इस प्रकार है, बदलू के हाथों की क्या स्थिति थी? उत्तर के विकल्प इस प्रकार है क फट गए थे, ख चोटिल हो गए थे, ग सूज गए थे, घ नसें उभर आई थी। तो इसका सही उत्तर होगा घ नसें उभर आई थी। प्रश्न तीसरा कुछ इस प्रकार है, बदलू ने स्वयं को कौन सी बीमारी बताई? क मौसमी खांसी, ख खांसी, ग टीबी या घ फसली खांसी। तो इसका सही उत्तर होगा घ फसली खांसी। प्रश्न चौथा इस प्रकार है, लेखक को क्या अच्छा न लगा? इसके ऑप्शन के विकल्प के उत्तर इस प्रकार है क बीमारी, ख शोर, ग व्यथा, घ शांति। तो इसका सही उत्तर होगा घ शांति। प्रश्न पांचवा इस प्रकार है, रज्जो ने लेखक की ओर क्या बढ़ा दिया? विकल्प के उत्तर इस प्रकार है क चुड़िया, ख गोलियां, ग चाय या घ 4-5 आम। तो इसका सही उत्तर होगा घ 4-5 आम। लेखक की निगाह क्या देखकर ठिटक गई? उत्तर ऑप्शन इस प्रकार है क चुड़िया, ख कपड़े, ग रज्जो के हाथ और घ लाख की चुड़िया। तो लेखक की निगाह देखकर इसका रज्जो के हाथ में क्या देखा था? उसने लाख की चुड़िया। मतलब रज्जो के हाथ तो देखे, लेकिन रज्जो के हाथ में उसने क्या देखा था? लाख की चुड़िया। तो लाख की चुड़िया देखकर उसकी नज़र या उसकी निगाह टिटक गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा घ लाख की चुड़िया। जमींदार जोड़े के कितने पैसे दे रहा था? 2 आने,
आठ दस आने, चार आने या दस आने, तो हमने देखा था, आपको पता होगा उत्तर, तो आप दे सकते हो दस आने। पर्यायवाची शब्द लिखिए, आपको दो शब्द दिए गए हैं और उसका अर्थ लिखना है। जैसे कि आपको प्रश्न पूछा जा सकता है व्यथा इस शब्द का अर्थ लिखिए, तो उसका उत्तर होगा व्यथा का अर्थ होगा पीड़ा, फप का अर्थ होगा अच्छे। आगे प्रश्न देखते हैं, मशीनी युग से कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। उत्तर कुछ इस प्रकार है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने मशीनीकरण से उत्पन्न कड़वी सच्चाई की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। यह कड़वी सच्चाई है, यह जो सच्चाई है वह कड़वी है, लेकिन वह मात्र सच्चाई न रहकर समाज में एक बड़े वर्ग के लिए व्यथा बनकर रह गई है। आगे उत्तर आगे और भी है, लोगों के काम धंधे बंद होने से उन्हें रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, उनके पास कोई काम न होने से वे अशक्त लाचार होकर समाज में बोझ बनकर रह गए हैं, उनके हाथों में गुण होने पर भी वे बेकार की वस्तु बनकर रह गए हैं। लेखक ने इसी व्यथा की ओर इस पाठ के माध्यम से संकेत करने का प्रयास किया है। तो बच्चों, अब तक हमने इस पाठ का पूरा विस्तार के साथ पढ़ा और उसके कठिन शब्दों के साथ साथ प्रश्नोत्तर को भी देखा और लेखक ने जो संदेश देने की कोशिश की है इसको भी हमने समझा। तो अब यह पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है, अब अगले भाग में मिलेंगे नए पाठ के साथ।